बीच में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने आप को डॉक्टर सोनेलाल पटेल का वारिस कहकर के बीच में आ रहे हैं। डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने कभी अपनी पार्टी की पहचान के साथ समझौता किया? क्या वारिस वो होता है जो लाल नीली पीली बत्ती के लिए संगठन, समाज, परिवार और पीढ़ियों को दूसरों के हाथों गिरवी रखते? या अक्सर राजनीति के गलियारों में रिश्तों की अहमियत कम हो जाती है। इसी गलियारों में बहनें भी एक दूसरे के विरुद्ध हो गई हैं। 2022 के चुनावों में एक बहन सपा के साथ थी तो दूसरी भाजपा के साथ। हम बात कर रहे हैं अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल की। छोटी बहन अनुप्रिया पटेल और बड़ी बहन पल्लवी पटेल सोनेलाल पटेल की बेटियां हैं। पहले बात कर लेते हैं बड़ी बहन पल्लवी पटेल की। पल्लवी पटेल अपना दल कमेरावादी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ पल्लवी पटेल ने अपना दल कमेरावादी का गठबंधन किया था और समाजवादी पार्टी से पल्लवी पटेल ने सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य के विरुद्ध चुनाव लड़ा और वो जीती भी। पल्लवी पटेल तब से सुर्खियों में हैं। अब बात करते हैं छोटी बहन अनुप्रिया पटेल की। अनुप्रिया पटेल अपना दल पार्टी के संस्थापक सोनेलाल पटेल की छोटी बेटी हैं और अनुप्रिया पटेल अपना दल सोनेलाल की अध्यक्ष हैं। आपको बता दें कि पिता सोनेलाल के देहांत होने के बाद दोनों बहनों के बीच पारिवारिक बहस हुई और ये पारिवारिक विवाद राजनीति में भी घुसा और पिता की पार्टी के दो हिस्सों हो गए। पल्लवी पटेल अपनी माँ के साथ मिलकर अपना दल कमेरावादी का गठन किया तो वही अनुप्रिया पटेल ने अपने पति आशीष पटेल के साथ मिलकर अपना दल सोनेलाल के नाम से पार्टी बना ली। अनुप्रिया पटेल ने भाजपा के साथ 2017 में भी गठन किया था और 2022 में भी अनुप्रिया पटेल ने भाजपा का ही साथ दिया। वही बड़ी बहन ने समाजवादी पार्टी के साथ जीत हासिल की। दोनों बहनों में एक ही खून दौड़ता है लेकिन राजनीतिक विचार और धाराएं बिल्कुल अलग है। मेरी बड़ी बहन चुनाव के मैदान में है। डॉक्टर सोनेलाल पटेल की विरासत पर अपना दावा ठोककर आपका समर्थन हासिल करने के लिए आई है और ईवीएम का बटन दबवाना चाहती है। किस पर? हमारा सबसे इम्पोर्टेंट मिशन जिसके तहत 150 सीटें टारगेट करते हुए हम अपने हर स्ट्रांग सीट पर, अपने हर जनपद में बूथ स्तर तक की जो समितियां गठित हुई हैं उनकी समीक्षा पे निकले हुए हैं और जिसका एजेंडा है कि हर बूथ पर 10 यूथ हों जिसमें एक शिक्षित महिला हो ताकि वो हर क्षेत्र से, हर बूथ से मैक्सिमम वोट्स निकाल करके हमारे पक्ष में डालने का काम कर सके। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, डॉक्टर सोनेलाल पटेल के मानने वालों से पूछना चाहती हूँ, अपने पूरे जीवन में डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने क्या कभी किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ा? जवाब चाहिए मुझे। डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने कभी अपनी पार्टी की पहचान के साथ समझौता किया? डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने अपने कार्यकर्ताओं के सम्मान के साथ समझौता नहीं किया, अपनी पार्टी की पहचान के साथ समझौता नहीं किया। वो तमाम चुनाव हारे और चाहते तो वो भी किसी साइकिल पर सवार होकर विधायक, सांसद बन सकते थे, लेकिन डॉक्टर सोनेलाल पटेल अपने स्वाभिमान, अपने समाज के सम्मान और स्वाभिमान की और सामाजिक न्याय की विचारधारा की लड़ाई लड़ने वाले ऐसे महापुरुष थे जिन्हें अपनी पहचान के साथ, अपने झंडे के सम्मान के साथ समझौता करके किसी दूसरी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने की जरूरत कभी महसूस नहीं हुई। लेकिन आज उनकी बेटी, मेरी बड़ी बहन समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए आई है। क्यों आई है? क्योंकि डॉक्टर साहब की विचारधारा से उनका कोई लेना देना नहीं। हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आज आपके बीच में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने आप को डॉक्टर सोनेलाल पटेल का वारिस कहकर के बीच में आ रहे हैं।
तो आपसे ये कहना चाहेंगे और ये निर्णय आप पे छोड़ना चाहेंगे कि वारिस कौन होता है। क्या वारिस वो होता है जो लाल नीली पीली बत्ती के लिए संगठन, समाज, परिवार और पीढ़ियों को दूसरों के हाथों गिरवी रख दे, या वारिस वो होता है जो अपनी तमाम तकलीफों को भुलाता हुए परिवार के मुखिया के जाने के बाद संगठन, झंडा, समाज और पीढ़ियों की भलाई के लिए तमाम दुश्वारियां झेलते हुए अपने सर पे कफन बांध के आगे निकल पड़ता है। हमारी भी माँ ने उनकी बातों पे विश्वास करते हुए अपने समाज, अपनी पीढ़ियों के बारे में सोचते हुए पूरी ताकत से अपने झंडे के साथ अपने समाज का सहयोग लेते हुए माननीय मोदी जी का साथ दिया, और उसके बाद क्या हुआ, सत्ता में तो आ गए। हमने 100% रूप से उनसे दोस्ती निभाई और उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि जिस माँ का साथ लेकर के वो सत्ता के दायरे में पहुंच गए, उसी माँ की पीठ पे तो खंजर भोका भोका पेट में भी खंजर भोक दिया और ये समझ के बैठ गए। पिता के निधन के बाद अपना दल के दो हिस्से हो गए, परिवार भी टूट गया। दोनों बहनों के रिश्ते में काफी ज्यादा अनबन है, जो कि प्रचार के दौरान देखने को भी मिली। एक दूसरे पे कभी भी निशाना साधने से चूकती नहीं है ये दोनों बहनें। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर, और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।